ਉਹ ਹਾਂ ہمیں ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਮੈਰਿਜ ਕੇ ਲਿਏ ਅਲਾਉਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਮੇਲਸ ਹੈ ਜਿਨਕੋ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ अगर किसी विमेन को पीरियड नहीं होते हैं तो क्या वो अनैचुरल है आई थिंक वॉट एवर अनेचुरल इज ऑल्सो नेचुरल कुछ भी अनैचुरल नहीं है ये सब प्रकृति का ही हिस्सा है तो जैसे सती प्रथा थी जैसे अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ पत्नी को भी जला दिया जाता था आई थिंक कुछ प्रथाएं बनती हैं टूटने के लिए तो फिर हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों क्योंकि मैरिज जो है वो भी हमारा एक अधिकार है स्वतंत्र अधिकार है हम अपने अधिकार से अपना पार्टनर चुन सकते हैं पांडवों कौरवों का जब युद्ध चल रहा था तो श्री कृष्ण ने आराम से शादी की थी किन्नर बन के लगता है अभी कानून दी मान्यता मिलने तो बाद्यता तो मिल जाएगी स्ट्रगल तो शुरू से हमारा चोली दामन का साथ रहा है फिर समाज में अपने आप को एक्सेप्ट करना रूम लेने से लेके कॉलेज में जाने तक वॉशरूम से लेके हर चीज़ तक और फिर एक पार्टनर को रखने के लिए और फिर अब ये सेम सेक्स मैरिज की बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने पहले ही सेम सेक्स मैरिज को अलाउड कर दिया था डेनमार्क वाज़ द फर्स्ट कंट्री तो ये सोचने वाली बातें हैं मान्यता देना गलत नहीं है लेकिन मान्यता देना मुश्किल है मान्यता दी भी जाए उसके बाद ये प्रोविजंस जो हैं, वो एक्टिवली सरकार को बनाने पड़ेंगे सत श्रीकाल तुम देख रहे हो रोजाना स्पोक्समैन टीवी तो मैं हाँ सुरखा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मसला चल रहा है समलिंगी विह हालांकि इसको लैके बहुत सारिया धारणावान ने बहुत सारिया ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸ ਜੈਂਡਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ مسئلے ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ مسئلے ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਓਸ਼ਨ ਜੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਓਸ਼ਨ ਜੀ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਸ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਬਰਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ हाँ तो सबसे तो पहले थैंक यू सो मच फॉर अप्रोचिंग देखिए मसले का हल जो है वो एक छोटा मोटा हल अब नहीं रह गया है कि एकदम से निकल जाएगा क्योंकि जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट इज़ अ सुप्रीम पावर सो जब वहाँ तक अगर कोई मुद्दा कोई मैटर पहुँचा है तो वो बहुत छोटा मोटा नहीं रहेगा तो आई एम अ ट्रांसजेंडर वूमेन और हम सिर्फ ट्रांसजेंडर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम पूरे एल समुदाय की जी, बात कर जी, रहे हैं कोई इट्स अ वास मेजोरिटी ऑफ तो यहाँ पर हमें बहुत सारी इसके बाद भी अगर वैसे तो बींग ट्रांसफॉर्मर में चाहती हूँ कि हम अपने आज़ादी के लिए शुरू से लड़ते रहे हैं पूरा हमारा भारतवर्ष जो है आज़ादी के लिए लड़ा है तो अगर मैं इसको इसमें अपना स्ट्रॉन्ग एक अपने तरफ से बोलना चाहूँ तो हाँ हमें सेम सेक्स मैरिज के लिए अलाउड करना चाहिए इंडिया में क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पहले ही सेम सेक्स मैरिज को अलाउड कर दिया था डेनमार्क वॉज़ द फर्स्ट कंट्री हो जिन्होंने अलाउ किया था सेम सेक्स मैरिज ट्वेंटी सेंचुरी में नाइन्टीन के दौरान और उन्होंने जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स हैं उनको रजिस्टर करने की मान्यता दी थी उसके बाद काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसे रहे जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को धीरे धीरे अलाउड किया बट अभी इंडिया इज़ सो फार अवे फ्रॉम इट और हमें चाहिए कि हम आगे बढ़ें क्योंकि हम पुरानी परंपराओं में देखें तो जैसे सती प्रथा थी जैसे अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ पत्नी को भी जला दिया जाता था या फिर ये तीन तलाक की प्रथा थी तो बहुत सारी प्रथाएं ऐसी हैं जो टूटी हैं आई थिंक कुछ प्रथाएं बनती हैं टूटने के लिए तो फिर हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों क्योंकि मैरिज जो है वो भी हमारा एक अधिकार है स्वतंत्र अधिकार है हम अपने अधिकार से अपना पार्टनर चुन सकते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि एल समुदाय के लोग या ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग को इंसान ना मान के और उनको ये अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं अगर आप इंसान मानते हैं तो आपको हर प्रकार का वो अधिकार देना चाहिए ਉਸ਼ੰਜੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਦਾਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਧ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਾ ਹੀ ਬੰਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੰਧਨ ਚ ਬੱਝ ਸਕਦੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ कि मर्द और एक औरत ही जो है इस दुनिया को चला सकते हैं वही लीगल है वही प्राकृतिक है तो फिर अगर हम प्राकृतिक की बात करते हैं तो जब हम एक पेड़ उगाते हैं और हम एक पौध बीज डालते हैं तो पौधा उगने का वेट करते हैं सीरियसली अगर एक लड़का एक लड़की शादी करते हैं दैन दे हैव देर लाइफ उनको बाद में बेबी होता है सब कुछ वो प्रोसीजर्स होते हैं आगे के काफ़ी सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको बेबी नहीं हो पाता है वो अडॉप्ट करते हैं बाद में या अडॉप्ट भी नहीं करते वो उनकी मर्जी है तो क्या वो अनैचुरल चीज है अगर किसी वन को पीरियड नहीं होते हैं तो क्या वो अनैचुरल है आई थिंक वॉट एवर अन्यो नेचुरल कुछ भी अन्यचुरल नहीं है ये सब प्रकृति का ही हिस्सा है तो अभी अगर हम अपने राइट्स को एंजॉय करने की बात करें तो जब सब कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं अधिकार है धार्मिक तौर पे, पे जो है इसको दिखाया गया है हिंदू मैरिज एक्ट में अः सब सब कुछ बना दिया गया है उस श्रेणी में सबको रखा गया अब शरिया तो इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता कहीं ना कहीं जो हिंदू हमारा सनातन कल्चर रहा है उसमें वेद में पुराण में महाभारत में रामायण में गीता में हर जगह किन्नरों का ट्रांसजेंडर्स का होमोसेक्चुअलिटी का वर्णन रहा है ठीक और अगर हम बात करते हैं कि धर्म के आधार पर तो सिर्फ वर्णन ही हुआ है मैरिज के लिए एक दिन के एक दिन के लिए शायद हम अगर गीता पढ़ते हैं तो उसमें पांडवों कौरवों का जब युद्ध चल रहा था तो श्री कृष्ण ने अरावन से से शादी शादी की थी किन्नर फीमेल नहीं, लेकिन वो एक ही दिन की थी। तो यहां पर सवाल ये है है। है, कि हर धर्म इस इस चीज चीज को को अपने अलग-अलग नजरिए देखता कहीं कहीं ना कही, आ, ने एक्सेप्ट किया है, बट सेंट्रल गवर्न, गवर्नमेंट जो है इस वो शायद उस चीज़ को, धर्म को देख के भी उसको जिस तरीके तो ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਦੇਖੀ ਮਾਨਯਤਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਮੈਂ ਕਹੇਤੀ ਹੂੰ ਮਾਨਯਤਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਮਾਨਯਤਾ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਬਣਨੇ ਹਨ ਅਗਰ ਆਪ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਮੈਰਿਜ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ तो सीरियसली एक लेसबियन में अगर हम देखें एल एल स्टैंड फॉर लेसबियन तो एक लड़की लड़की से शादी कर रहे हैं ठीक है इट्स ओके okay. फिर उसके बाद आता है जी जी स्टैंड फॉर गे एक लड़का लड़के से शादी कर रहा है या वाइस वर्सा फिर बाइसेक्शुअल्स जो हैं वो अगेन वो दोनों चीज़ों के साथ कंफर्टेबल हैं जो ट्रांसजेंडर है ट्रांसजेंडर में भी दो कैटेगरी हैं ट्रांसजेंडर मैन ट्रांसजेंडर वुमेन अब बात ये आती है कि उसमें किसको एज अ मेल कंसीडर किया जाए किसको एज़ अ फीमेल कंसीडर किया जाए अगर ट्रांसमेंट को फ़ीमेल कंसीडर किया जा रहा है अगर डिवोर्स की बातें आती हैं और राइट्स की बात आती हैं एलिमिनीज की बात आती है तो वो सारे प्रोविजंस कैसे बनेंगे तो उनमें टाइम लगेगा तो ये सोचने वाली बातें हैं मान्यता देना गलत नहीं है लेकिन मान्यता देना मुश्किल है मान्यता दी भी जाए उसके बाद ये प्रोविजंस जो हैं वो एक्टिवली सरकार को बनाने पड़ेंगे तो अब सरकार के मद्देनजर ये मुद्दा थोड़ा संगीन रहा इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास है क्योंकि जो हमारा तीन का लॉ है थ्री वो सुप्रीम कोर्ट ने ही अबॉलिश किया था तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट का रोल है अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि स्टेट को इसमें इंक्लूड किया जाए और हर स्टेट से ये जवाब मांगा जाए कि सेम सेक्स मैरिज के लिए उनके स्टेट्स में कभी किसी कम्युनिटी ने कभी किसी ग्रुप्स ने अप्रोच किया है या नहीं किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को इंक्लूड करने के लिए अप्रोच किया है तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है क्योंकि हर कोई एकदम से खुल के नहीं आता आप कुछ लोग कहते हैं कि थ्री सेवेंटी सेवन हटने के बाद कम्युनिटी ज्यादा बढ़ गई है जी, जी, जी। तो ऐसा नहीं है कम्युनिटी तो शुरू से एग्जिस्ट करती थी लेकिन हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि हमारे लिए कोई रोल है या लॉ है हुँ, नहीं, हुँ, नहीं है जब तक 377 रहा हमें ऐसा लगता था अब उनको ऐसा लगता है, हम क्रिमिनल नहीं है, तो आजादी से घूमते हैं तो निकल के ऐसा नहीं हो कभी थे नहीं वो थे लेकिन इस कानून के मद्देनजर वो छुपे हुए थे कहीं ना कहीं तो अगर ये राइट हमें मिलता है तो सब बहुत लोग बाहर निकल के आएंगे पर किस तरीके मानता की ही क्यों है हजे भी

तो ऐसे ही इसमें भी लॉ बनेगा अगर सपोज हम सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज का जो लड़ाई चल रही हो पास हो जाता है एंड इट इज़ अप टू फेवर फॉर द कम्युनिटी और उसमें येस yes हो जाता है कि हाँ हम अलाउड है सेम सेक्स मैरिज के लिए उसके बाद लॉज भी तो बनेंगे ना कि अभी जो हमारा प्रॉपर्टी इश्यूज है एडॉप्शन राइट right है बहुत सारी चीजें हैं मान्यता इसलिए जरूरी है क्योंकि कारा की गाइडलाइंस में भी ट्रांसजेंडर को एडॉप्शन का कोई राइट right नहीं है सेम सेक्स कपल्स को भी जो है सेम एडोपन का कोई राइट right नहीं है तो जब ये लॉ बनेगा तो धीरे धीरे ये राइट्स भी हमें शायद मिलने शुरू होंगे तो उस चीज के लिए मान्यता जरूरी है वैसे तो किसी को कोई इंडिविजुअल लेवल पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर किसी के अंदर हिम्मत है सबसे बड़ी बात है निभाना तो निभाते हैं समाज में रह सकते हैं बट कानूनी मान्यता इसलिए जरूरी है ताकि हम सारे राइट्स को एंजॉय कर लग सके लगता है अभी कानून दी मान्यता मिलन तो बाद सामाजिक तौर पे मान्यता मिल जाएगी देखिए समाज बता रहा था सामाजिक देवेच समाज देवेच ही रहना है बिल्कुल बिल्कुल समाज के बीच में रहना है तो देखिए सर समाज में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो 377 को भी जी आ, प्रमोट करते थे कि नहीं ये धारा सही है कि ये अप्राकृतिक है गैर कानूनी है लेकिन वो धारा हटी है तो जब लॉ बन जाता है तो कुछ लोगों के दिमाग में जो आने वाली जनरेशन जैसे तो तो uh, परिवर्तन के अलावा इस संसार में कुछ भी जो है शायद वो सबसे बड़ा नियम नहीं है नहीं है तो परिवर्तन ही संसार का सबसे बड़ा नियम है तो परिवर्तन धीरे धीरे आता है पीपल विल ऑल्सो एक्सेप्ट बट स्लोली कहने हो भी तो दस साल बाद ये पिछले हम तक ओशन गाय करना, करना एक बहुत है कि तो लग रहा ज्यादा हावी हो जाएगा इस चीज़ से शुरू से हमारा चोली दामन का साथ रहा है और हमारा स्ट्रगल डिफरेंट है और डिफिकल्ट भी हो जाता है क्योंकि सबसे पहले अपनी एक्सैप्ट आप को पहचानना फिर समाज में अपने आप को एक्सैप्ट करना रूम लेने से लेके कॉलेज में जाने तक वॉशरूम से लेके हर चीज तक और फिर एक पार्टनर को रखने के लिए और फिर अब ये सेम सेक्स मैरिज तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं बीच में हमारा एज अ ट्रांसजेंडर वेमेन अगर मैं बात करूं तो हमारा किन्नर कल्चर भी आ जाता जी, है जी, जी. जहां पर कल्चर में हम डेरा कल्चर के अंदर सब लोग रहते हैं वहां पे हमें शादी करने की कोई मान्यता नहीं है हुँ। कोई आदान प्रदान इस तरह का नहीं हुँ। है हमें गुरु चेला परंपरा में रहना पड़ता है तो ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये स्ट्रगल इन चीज़ों पे हावी होगा बिल्कुल होगा इससे हमारे जो कल्चर है कल्चर को भी फर्क पड़ेगा क्योंकि जो इंडिविजुअल ट्रांस है फिर वो अपने डिसीजन भी तो ले सकते हैं ना एंड आई थिंक इट इज़ अ इंक्लूसिव डिसीजन हर किसी को अपने डिसीजन लेने का अधिकार होना चाहिए राइट मिले राइट के साथ साथ, साथ स्ट्रॉन्ग लॉज भी बने जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है और मान्यता ज़रूरी है शुक्रिया सो अधिकार मिलना चाहिए ਮੰਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਂ ਸਰਖਬ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਮਨੀ ਦਿਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ